ये है भैया धरती एग्रो की शेड्यूल, कमाल की शेड्यूल है। और कमाल की आज मैं आपको जानकारी दूंगा, इसके फीचर्स बताऊं भैया। तो इसमें दुनिया भर की जितनी भी फसलें वो सभी बो सकते हो, साथ में प्याज का कण है भैया वो भी इसके अंदर लगा सकते हो। ये जब हम लहसुन डाल रहे हैं या फिर कहीं गेहूं डाल रहे हैं, एक में फर्टिलाइजर डाल रहे हैं, खाद डाल रहे हैं, तो एक दूसरे में मिलते हैं जी। उसके बाद ये समस्या भी होती है कि अगर आपको एक ही पेटी का यूज करना है दूसरी पेटी को क्यों घिस रहे हैं, इसमें आपको ये सुविधा मिल जाएगी। अच्छा, एक पेटी ऑन कर सकते हैं, एक पेटी ऑफ भी कर सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन है ना सर अपने पास जी। अगर भी लगा सकते हो, प्याज का कण हो गया, गाजर हो गया, शलजम हो गया, जो भी बारीक भी। इसको जीए के लिए खासकर इन्होंने बनाया था, पर धीरे धीरे अडॉप्ट होते हुए कई फसलों पे चला गया। अच्छा, छठमा लगनी चाहिए, इसको बोलते हैं सही सही दूरी, कली से कली दूरी, कली से कली दूरी। इसके लिए हम गियर बॉक्स का यूज करके ये वाली जो इनकी स्पीड है गियर की, ये स्पीड बढ़ा सकते हैं। अच्छा, ज्यादा तेजी से घूमेगा तो फिर क्या होगा कि जो कली दो दो और दो गिर रही थी, हाँ हाँ। वो इसी दूरी में एक दो तीन चार पाँच और छह गिरेगी। अच्छा, तो किसान इधर का ऊंचा करता है तो 19-20 रही जाता है, रही जाता दोनों है, दोनों गाले अलग अलग रह जाते हैं। इसमें आप देखें कितनी स्मूथली, आप तो सबसे पहले गाला सेट कर सकते हैं ये, और ये दोनों का एक साथ हो रहा है छोटी से। सर इसमें इतने फसल के ऑप्शन है हम जी, या ये कह सकते हैं कि इन इन साइजों की है। नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। किसान भाइयों यकीन मानो आज ऐसी शेड्यूल दिखाऊंगा भैया, आप बरसात में रखिए, आप धूप में रखिए, कहीं भी रखिए भैया, ना सड़ती है ना गलती है, पूरी जानकारी हम आपको देंगे भैया। सभी प्रकार की इसमें फसलें लगाई जा सकते हैं, और कौन कौन सी फसलें लगा सकते हैं उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। सबसे पहले बात करते हैं सर से। सर नमस्कार। नमस्कार सर, अपना परिचय दीजिए हमारे किसान भाइयों को। सर मेरा नाम शुभम जाट है जी, और मैं केसर एग्रो एजेंसी के लिए सेल्स देखता हूँ जी। हमारे दो शोरूम है, एक बदनावर में एक रतलाम में हमारी ब्रांच है। हम दोनों जगह सभी तरह के कृषि उपकरणों का काम करते हैं। आज जो शेड्यूल लेके आए भैया, बड़ी हटके बड़ी अलग लेके आए किसान भाइयों के लिए, प्राइस के साथ भी सर में बात करेंगे, इसकी विशेषताएं बताइए सबसे पहले। सर सबसे इम्पोर्टेंट इस शेड्यूल की विशेषता है इसका फर्टिलाइजर बॉक्स और उसका सीड बॉक्स जी, जो कि पूरी तरीके से स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है जी। अब इस मटेरियल की अगर आप तुलना चाहते हैं हाँ। तो आपके घर की थाली देख लीजिए, जो थाली में मटेरियल का ग्रेड यूज होता है हाँ। उसी तरीके का ये ग्रेड यूज होता है, ना सड़ता है ना गलता है ना खराब होता है। आपने आपकी घर की थाली पे कभी जंग नहीं देखी होगी, इसके ऊपर उसी तरीके से ये कितने भी पानी में रहे कैसे भी रहे किसी तरह की कोई जंग नहीं आएगी, तो इसकी सबसे विशेषता है जी। इसकी दूसरी विशेषता पे सर हम बात करते हैं, तो इसके फर्टिलाइजर बॉक्स और सीड बॉक्स जो है वो दोनों अलग अलग है। इसके आप दोनों बॉक्स देखोगे, जनरली एक बड़ा बॉक्स होता है, उसके अंदर पार्टीशन होता है जी। उससे कई तरीके की समस्या आती है कि जब हम लहसुन डाल रहे हैं या फिर कहीं गेहूं डाल रहे हैं, एक में फर्टिलाइजर डाल रहे हैं, खाद डाल रहे हैं, तो एक दूसरे में मिलते हैं जी। उसके बाद ये समस्या भी होती है कि अगर आपको एक ही पेटी का यूज करना है दूसरी पेटी को क्यों घिस रहे हैं, इसमें आपको ये सुविधा मिल जाएगी। अच्छा, एक पेटी ऑन कर सकते हैं, एक पेटी ऑफ भी कर सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन है ना सर अपने पास जी। अगर हमको सिर्फ ये पेटी चलाना है हाँ। तो हम इस पेटी वाला जो गियर है उसको निकाल के अलग कर देंगे। अच्छा अच्छा, हमको जरूरत ही नहीं है तो हम क्यों चलाए। सही बात है भाई, ये बड़ा एक अच्छा फीचर लगा भाई सबसे बात तो जी। सर और विशेषता होगा तो शेड्यूल के बारे में बताइए सर, किसान भाइयों के। सर इसके अंदर शेड्यूल के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है इसका मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी। अभी हम जनरली स्टैंडर्ड बात करें तो हमारे आसपास के क्षेत्र के जो निर्माता है वो सिर्फ लोहे से सीड्रिल बनाना जानते हैं, उसके अंदर नई टेक्नोलॉजी नया मटेरियल क्या क्या उपयोग हो सकता है, किस तरीके से उसको मटेरियल को आप आगे बढ़ा सकते हैं वो कुछ नहीं है। जिसके अंदर आप सर देखेंगे तो पूरी सीड्रिल के अंदर सबसे तीन टाइप के मटेरियल का यूज किया गया है, पहला स्टेनलेस स्टील, दूसरा फाइबर जी। और तीसरा इसके अंदर यूज हुआ है जीआई शीट, जो कि पूरी तरीके से प्लास्टिक कोटेड है। प्लास्टिक कोटेड को आपका सीधा सा एग्जांपल देता हूँ कि रोटावेटर के अलावा किसी भी एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट में प्लास्टिक कोटेड नहीं आता है, सिर्फ रोटावेटर एकमात्र ऐसा इंप्लीमेंट होता है। हम जो जनरली करके देते हैं वो ऑयल पेंट जी। ये तीनों मटेरियल के यूज से कंपनी जो प्रॉब्लम सॉल्व करना चाह रही है, जो समस्या सबसे बड़ी किसानों के लिए थी वो ये थी कि कोई भी किसान सीड्रिल को पुरानी होने पर बेचता क्यों जी, क्योंकि वो सड़ जाती है, उसमें जंग आ जाता है, उसका फर्टिलाइजर बॉक्स यहाँ से सड़ने लगता है जी। नीचे से जो खाद की पेटी है यहाँ से सड़ने लगती है जी। या फिर उसमें किसी बॉडी पे सड़न आ जाती है तब वो सीड्रिल बेचता है, ना कि सीड्रिल की सेटिंग नहीं बिगड़ती, सीड्रिल में वही किसी तरह का मेंटेनेंस नहीं आता। अच्छा। इसमें सब वो जंग वाली समस्या हल करने के लिए तीन टाइप के मटेरियल यूज किए गए, SS जो गारंटेड है कभी नहीं सड़ेगा। इसके बाद सर आप इसके अंदर देखेंगे पूरी तरीके से फाइबर की बना हुआ है इसका जी। इसका गियर वाला जो सेटअप है वो पूरे तरीके से फाइबर नहीं, ऑरेंज वाला जो है ये फाइबर है, इसके गियर तो जनरली फाइबर आते हैं। इसके नीचे भी जो बॉक्स है इसकी आप नीचे ये देखेंगे नालिया जी, ये भी पूरी की पूरी फाइबर की बनी हुई। मतलब सिंपल सी बात है, किसान भाई एक बार इसको खरीद ले दूसरी बार लेने की जरूरत नहीं। सर MP में अभी हम लोगों ने कुछ समय से इसका काम चालू किया है जी। MP में 2005-2003 से धरती के सीड्रिल लिए हुए किसान है जो अब लेने आ रहे हैं। आप टाइम फ्रेम देख सकते हैं 21 साल बाद सीड्रिल लेने आ रहे हैं, अब लेने आ रहे हैं 21 साल बाद, क्योंकि सड़ने की समस्या नहीं है ना सर। अच्छा अच्छा, अब कोई भी चीज सड़ के खराब होती है। इसके अलावा तो आप इसका कलर देख रहे हैं,
जीआई जो जंग खाता है उसके ऊपर इन्होंने पाउडर कोटिंग कर दी। पाउडर कोटिंग के लिए बहुत बड़ा प्लांट चाहिए, बहुत सारी मशीनें चाहिए, इसके कारण हम जो छोटे लेवल के निर्माता है, लोकल निर्माता है, वो कर नहीं सकते। इसमें ये जो प्लास्टिक का उपयोग है, यहाँ के निर्माता जो है वो डरते हैं प्लास्टिक, किसान देखेगा, किसान को समझाने में थोड़ा वक्त लगेगा, नई चीज है, पर ये टेक्नोलॉजी इतनी बढ़िया हो गई है कि ये प्लास्टिक से हर चीज इन्होंने बहुत बढ़िया कर दी। इसमें किसी भी तरह की जंग नहीं लगेगी, तो लाइफ बढ़ेगी, सीधी सी बात है। सही बात है। और प्लास्टिक की हम 5 साल की पीस टू पीस गारंटी लेते हैं। पीस टू पीस अगर प्लास्टिक आपका कोई भी चेंज होता है, आप बिल से लिखवा के ले जाइए, कहने की बात नहीं है, आप बिल से लिखवा के ले जाइए। इसमें जो भी प्लास्टिक पार्ट है आपको पीस टू पीस विदाउट एनी कॉस्ट अगले 5 साल में हम रिप्लेस करके देंगे। अच्छा, एक तो ये चीज हो गया सर, नीचे लगा रखा है इसका विशेषता सर, इसका हम उस तरफ से देंगे। जी जी बिल्कुल भाई, पूरी जानकारी हम आपको देंगे। किसान भाइयों, अगर आप खरीदने की सोच रहे हो तो वीडियो देख ले। जी सर, जैसे मैं आपको प्लास्टिक का बता रहा था जी। अब जनरली हम क्या है, यहाँ पे जो नीचे स्लाइडर होते हैं फसल को निकालने के लिए, वो लोहे के होते हैं, इनको ठोक ठोक के निकालना पड़ता है। इतना स्मूथ आपने कहीं नहीं देखा होगा, ये बहुत स्मूथ है भाई। ये प्लास्टिक के उपयोग की खासियत है, तो उसके नीचे हमने ये शीट लगवाई है कंपनी से, जिससे कि आपका जो भी सीड है, किसी भी तरह की फसल है, उसका जो बीज है वो यहाँ से होके एक बोरा लगा किसान इसी साइड से निकाल सकता है। ये निकाल लेंगे, निकाल लेंगे। आप इसमें हर काम को करने की आसानी देखिए, सबसे पहले अगर कोई लोकल सीडल होती तो हमको खोद ठोक ठोक के निकालना पड़ता, ये एक उंगली के दम पे निकल रहा है, एक उंगली के दम पे जा रहा है, लाइफ टाइम ऐसा ही रहेगा, लाइफ टाइम जब तक सीडल रहेगी भाई तब तक ऐसा ही रहेगा, प्लास्टिक है, सीधी सी बात है। और ये शीट इसके लिए है। अच्छा, बाकी अच्छा। सर आप इसके टाइन वगैरह, इसकी फिनिश लेवल देखेंगे, वो बहुत बढ़िया है। अच्छा, मैं पूछना चाहूंगा सर, कितने टाइन्स में सीडल आती है? इसमें 3 टाइन ऑप्शन मिल जाएंगे आपको, जनरली जो एमपी में चल रहे हैं 17 टाइन मिल जाएगा, जिसके अंदर 15 बड़े 2 छोटे दाते मिल जाएंगे, जो आपकी पाली के लिए, कि पाली के ऊपर भी होता है कि पाली पे उगती नहीं, फुल टाइम दे देते हैं जी। इसके अंदर हाफ टाइम आएंगे पाली के लिए, 17 टाइम में ऑप्शन में मिल जाएगा, 19 टाइम ऑप्शन मिल जाएगा, 21 टाइम ऑप्शन मिल जाएगा। अच्छा अच्छा, डबल पेटी मिल जाएगा, सिंगल पेटी मिल जाएगा। किसान भाइयों, तो अभी तो वीडियो स्टार्ट हो गई, तो बहुत सारी इसकी विशेषता है। सबसे पहले टाइन की बात करते हैं, मध्य प्रदेश में जो कोचली जो होती है, हम जो बोलते हैं भाई, वो बहुत बड़ी होती है, इसके अंदर बहुत छोटी दे रखी है जी सर। इसकी विशेषता बताइए सबसे पहले सर। जनरली क्या है, लोकल मैन्युफैक्चर बड़ा और हेवी दिखाने के चक्कर में इतनी बड़ी बड़ी कोचलियां बना जी। अब हम जो इसके अंदर फसल जनरली एमपी में यूज करते हैं जी, वो फसल हो गया गेहूं और लहसुन। अब गेहूं को तो आप, हम सब जानते हैं, हम फुकमा भी उसका कर सकते हैं, यानी कि आपने ऊपर से उड़ा दिया तो भी गेहूं अच्छा होता है। तो यहाँ पे तो हम गेहूं के लिए ज्यादा से ज्यादा 1 इंच इतनी गहराई चाहिए, उसके लिए हमको चाहिए कि पतली कोचली, जो कि जमीन को ज्यादा डिस्टर्ब ना करे और अच्छी एक ठीक ठाक हाइट के ऊपर उसको छोड़ दे, डेप्थ के ऊपर छोड़ दे, जिससे कि फसल की उपज अच्छी। इसके लिए हमने कंपनी से काफी डिस्कस किया, उसके बाद कंपनी की R&D टीम ने हमको ये सजेस्ट किया, भाई ये छोटी रखो भाई, सबसे बेस्ट काम है इसका ये भाई, इसको छोटी रख सकते हैं जी। जी जी, पीछे थोड़ी सी बात करते हैं सर, 1 मीटर लगा रखा है सर आपने? जी सर, 1 मीटर लगा रखा है, जो कि स्टैंडर्ड है, हर सीडल के साथ आता है, ये इसके अंदर इंक्लूडेड है। अच्छा। कोई अलग से चार्ज नहीं है। हाँ, ये अलग से इंक्लूडेड है। बाकी सर अगर बात करें इसके अंदर, तो कितने प्रकार के गियर आते हैं सर इसमें? सर इसमें गियर के जो प्रकार आते हैं हमारे पास 4 है, हम वहाँ उसके बारे में बताएंगे सर, थोड़ा सा और सीडल के बारे में समझ लेते हैं, उसके बारे में बताते हैं। एक और मॉडल आता है सर, ये कौन सा मॉडल है, एक और दिखाई दे रहा है सर, ये भी सेम है? ये इसका GI मॉडल है, कुछ कस्टमर जो लो कॉस्ट में चाहते हैं उसमें वो GI मॉडल आ जाता है, हम पुश करते हैं कि आप SS मॉडल लीजिए। SS मॉडल, SS मॉडल लीजिए, ज्यादा बेटर है। अच्छा, पैसा ज्यादा लगेगा पर पैसे के साथ आपको सुविधाएं मिलेगी, सुविधाएं मिलेगी। इसमें एक और मॉडल आता है सर, जो प्याज का, प्याज है भाई, मतलब लहसुन भी लगा सकते हो, गेहूं भी लगा सकते हो, सोयाबीन लगा सकते हो, प्याज का कण भी लगा सकते हो, कण भी लगा सकते हो, प्याज का कण हो गया, गाजर हो गया, शलजम हो गया, जो भी बारीक भी। इसको जीए के लिए खासकर इन्होंने बनाया था, पर धीरे धीरे अडॉप्ट होते हुए कई फसलों पे चला गया। अच्छा 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 अच्छा, ये है भाई, यही मॉडल है, पर इसके अंदर एक और सेटअप आता है। जी सर, जी, ये जी, अभी कंप्लीट नहीं है, पर ये वाला सेटअप आता है। वीडियो देख चला देंगे किसान भाई, इस प्रकार से आएगा, उस प्रकार से इस पे गियर की स्पीड भी कम ज्यादा कर सकते हैं। बिल्कुल सर, इसमें एक अच्छी सुविधा है कि ये जो गियर की स्पीड है, आपके जो गियर है, हम इसमें गियर बॉक्स देते हैं, जो आपको हम वीडियो शो कर देंगे अभी स्क्रीन के ऊपर जी। अब इन गियर का क्या है कि अगर आपको दूरी है, मान लीजिए ये दूरी है, यहाँ पे इतनी दूरी है, अब इसमें अगर आपको चाल बढ़ाना है, यानी कि इस दूरी के अंदर आपको अभी 3 कली आ रही है, 1, 2 और 3, इसकी जगह आपको 6 कली डालना है, हाँ। तो ट्रेडिशनल सेटअप से आप क्या करेंगे, यहाँ से ये जो गाला है, इस गाले को बढ़ाएंगे। तो बढ़ाने से क्या होगा कि 2 यहाँ गिरेंगे और 2 यहाँ गिरेंगे, ठीक है, जिससे किसान को समस्या है, किसान को चाहिए वो छठमा लगनी चाहिए, जिसको बोलते हैं सही सही दूरी, कली से कली दूरी, कली से कली दूरी। इसके लिए हम गियर बॉक्स का यूज करके ये वाली जो इनकी स्पीड है गियर की, ये स्पीड बढ़ा सकते हैं। अच्छा, ज्यादा तेजी से घूमेगा तो फिर क्या होगा कि जो कली 2, 2 और 2 गिर रही थी, हाँ, वो इसी दूरी में 1, 2, 3, 4, 5 और 6 गिरेगी। अच्छा अच्छा अच्छा, जिससे किसान अपनी दूरी एडजस्ट कर सकता है, हाँ, और वो सिर्फ एक सिंपल से गियर बॉक्स की मदद से कर सकता है। अच्छा अच्छा, हम वो भी आपको यहाँ पे ऐड करके पूरा सेटअप में दिखाओगे, अभी तो चल रहा है सेटअप, हुआ नहीं है। इस प्रकार से प्याज का सर, नीचे प्याज का दे रखा है, बिल्कुल ये प्याज के कण की है सर। इसको बोल सर, लाइट वेट सीडल,
बिल्कुल सर, आप लाइट वेट बोल सकते हैं। 35 HP ट्रैक्टर आराम से बेचते चला ले, आराम से 35 HP चला, जीरो मेंटेनेंस है भाई। पहली बात क्या है, गलत धारणा होती है, वेट एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट में सिर्फ उन चीजों में काम आता है, देसी भाषा में बोले तो यहाँ टगर बिठाना होता है, जहाँ डेप्थ लानी होती है, उसके अलावा किसी भी चीज में वेट नहीं, मजबूती और क्वालिटी काम करती है, क्वालिटी काम करती है। इस सीड ड्रिल के अंदर आप 4 क्विंटल 50 किलो के आसपास, जो कि एक अच्छा वेट है, इसकी क्वालिटी के हिसाब से अच्छा वेट जी, लाइट वेट है। लाइट वेट का ही कारण है कि इसको आप एक उंगली से घुमा सकते हैं, ये प्लास्टिक यूज होने की खासियत है, जबकि भारी भारी गेयर जो सड़ेंगे, जो खराब होंगे, जो सीड ड्रिल को हेवी बनाएंगे। उसके बाद हम इसके अंदर ये जो पेटी है, ये एडिशनल एसेसरी के तौर पर किसान ले सकते हैं। इस पेटी के अंदर आप जीरा पेटी, इसके गियर भी देखिए, आप अलग टाइप के गियर आएंगे इसके अंदर। और इसमें सबसे कमाल की चीज ये है कि इसमें आपको कांदे का, प्याज का जो कण होता है, उसको लगाना नहीं, वो जो आप लगाना चाहते हो, बोना चाहते हो, वो तो गियर से बो सकते हो, और उसको फूकना है तो उसके लिए ये सुविधा है, ये बॉक्स दे रखा है, यहाँ से कनेक्ट होके गियर से यहाँ तक आएगा, और इसके अंदर आप ऐसे सीधी मैश बनी हुई है, जालियाँ बनी हुई है, तो जैसे ही वो कण गिरेगा, वो इतने एरिया के अंदर, जैसे ही यहाँ पे गिरेगा, वो इस एरिया के अंदर फैल जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, तो वो रेंडमली उसके अंदर एकदम जैसे हाथ से फूकते हैं उस तरीके का ही हो जाएगा। अच्छा अच्छा, तो इससे सही तरीके से कि हाथ का फूके हुए से ज्यादा बढ़िया इसका रिजल्ट मिलेगा। अच्छा, कांदे के प्याज के कण के एक्यूरेट होगा, सीधी सी बात, प्रिसीजन बहुत आएगा, बारीकी बहुत आएगी, बारीकी बहुत आएगी। अब थोड़ा सा प्राइस बता देते हैं, फिर बताते हैं कौन कौन सी फसलें लगा सकती है। बिल्कुल सर, हाँ सर, प्राइस यहाँ से स्टार्ट करते हैं, प्याज के कण के साथ जो लगा लेना चाहिए किसान भाई, इसकी क्या प्राइस है? प्याज के कण के साथ सर, विथ गियर बॉक्स इंक्लूडेड, ये सीड ड्रिल जो है, ये सीड ड्रिल प्याज के कण के साथ आपको इंक्लूडेड पड़ेगी 108,019 दाता, 21 दाता 111,000। उसके बाद हम सिंपल सीड ड्रिल पे जाते हैं जी, तो उन सीड ड्रिलों में आपको ये मिल जाएगा कि वो सीड ड्रिल आपको 19 दाता 95,000 पड़ेगी, 21 दाता 98,000 पड़ेगी, 6,000 गियर बॉक्स का चार्ज अलग से रहेगा। अच्छा, गियर बॉक्स की फिटिंग का एक विशेषता हमने और छोड़ दी सर, हम ये देख सकते हैं जी, 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 इसको ट्रिपल चेचिस पे लिया है उन्होंने, दाते से दाते की दूरी इन्होंने बढ़ाई है यहाँ, जिससे कि मिट्टी, कोई पत्थर, कोई वो सब फंसने की दिक्कत नहीं होती। जनरली शिकायत आती है कि मिट्टी जम जाती है दांतों के बीच, इसमें वो शिकायत नहीं आएगी किसी भी तरीके से। एक ये भी आपने विशेष ध्यान दिया इसमें। हाँ। इसके बाद एक और चीज है सर जी, उस मॉडल में हम कुछ कारण से, टेक्निकल कारणों से नहीं करा पाए, पर ये वाले मॉडल में आप देखिए, जनरली किसान क्या होता है, उसकी ये पेटी डबल पार्ट में बटी हुई है, ये तो किसान इधर का ऊंचा करता है तो 19-20 रही जाता है, रही जाता, दोनों गाले अलग अलग रह जाते हैं। इसमें आप देख रहे हैं कितनी स्मूथली, आप तो सबसे पहले गाला सेट कर सकते हैं ये, और ये दोनों का एक साथ हो, छोटी सी बारीकी रहता भाई, ये बहुत छोटी चीज है, इस पे ध्यान नहीं छोटी सी बारीकी है, पर कोई ध्यान नहीं देता। सही बात ये है कि जब जनरल यूज किसान अपने करता है, तब उसके लिए बहुत उपयोगी चीज हो जाती है, उपयोगी चीज है ये कि ये डाला दोनों तरफ से बराबर सेट हो रहा है, ना ऊंचा रह रहा है ना नीचा रह रहा है, ना भाई एक साइड कम गिरा ना एक साइड ज्यादा गिरा, एक्यूरेट गिरेगा, बिल्कुल एक्यूरेट गिरेगा। उसके बाद इसका पार्टिया जो है वो एडजस्टेबल है, इसका पहिया जो है वो एडजस्टेबल है, हम इसको कुछ इसके अंदर जो पीछे पहिया आ रहा है हम उसको डबल में बना रहे हैं। अच्छा, कंपनी से स्पेशल डबल में मंगवा रहे हैं, डबल में इसलिए मंगवा रहे हैं कभी चलते हुए एक पहिए के अंदर कुछ मिट्टी फंस जाती है। हाँ। तो जो सेकंड व्हील है वो उसको ड्राइव देता रहेगा। अच्छा, वो चलता रहेगा, वो चलता रहेगा। एमपी की, मालवा की, इस रीजन की मिट्टी में खासकर ये शिकायत आती है कि पहिया भर जाता है, और भरने के बाद अगर एक सिंगल पहिया रहेगा फुल साइज तो वो भरेगा और वो रोक देगा सीधे उसके पहिए को, और इसके अंदर घसीटने की वो समस्या नहीं आएगी। एक पहिए के अंदर मिट्टी भराई, दूसरा पहिया चलता रहेगा, आपको ड्राइव मिलता रहेगा, आपने की जैसे ही नजर पड़ी आप उस पहिए को भी खाली करके आप दोनों पहिए से वापस ड्राइव ले सकते हैं। अच्छा, इसमें पीछे हमने डबल व्हील दे रखे हैं। अच्छा, सब मॉडल में स्टैंडर्ड कर दिया है डबल व्हील। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये किसान भी काफी शानदार है। बाकी अब बात करते हैं सर, कौन कौन सी फसलें लगाई सकती है, कौन कौन से इसके साथ गियर आते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। एक चार्ट बनाया है भैया कि कौन कौन सी फसलें सीडिल लगा सकती है और कौन कौन से इसके साथ गियर आता है, पूरा सर किसान एक बार एक्सप्लेन करिए सर। बिल्कुल सर, सर इसमें इतने फसल के ऑप्शन है हम जी, या ये कह सकते हैं कि इन इन साइजों की गियर, जो कि आप देखेंगे कि बिल्कुल बारीक बारीक से बारीक जीरा ले लीजिए आप, जीरे से लगाकर हमारे पास जो गियर साइज है वो बड़ी से बड़ी जो बीज आप बो सकते हैं, यानी कि लहसुन, वहाँ से लगाकर एक कंप्लीट स्पेक्ट्रम हमने कवर कर रखी है सीडल के साथ। मल्टी क्रॉप प्लांटर इसीलिए ये सही सेंस में मल्टी क्रॉप प्लांटर है, इसमें इतने गियर मिल जाएंगे। अब हर एरिया में किसान को कम से कम 5 तरह की फसल वो रिक्वायरमेंट होती है, हम 7 गियर देते हैं साथ में, 2 सीडल के अंदर आते हैं, 5 हम एक्स्ट्रा देते हैं, वो 5 गियर आप इस पूरे चार्ट से हमको डिस्क्राइब करके इस पूरे हमको 5 गियर लिखवा सकते हैं, हमको हम आपको वही 5 गियर देंगे, हमेशा फिक्स नहीं है। आपको एक फसल में मूंगफली चल रही है आपके यहाँ, आप मूंगफली का गेयर लीजिए, आपके यहाँ मूंग चल रहा है, गेहूँ चल रहा है, सोयाबीन चल रहा है, आप इनका गेयर लीजिए, आप कपास का गेयर लीजिए, आप इसके अंदर मक्का का गेयर लीजिए, मक्का में आपको अलग अलग दूरी पर करना है, 3 ऑप्शन है हमारे पास, आप यहाँ कर सकते हैं, आप चने का गेयर ले लीजिए,
आप मक्के की एक और दूरी का गेल लीजिए, आपको इतना पूरा स्पेक्ट्रम मिल रहा है, इसमें से आपको जो फसल चल रही है वो फसल ले लीजिए। ऑल इन वन सीडल है, दुनिया भर में जितनी फसल लगाई जाती है सब पौधे की है। बिल्कुल, अगर आप दांते सेट करना चाह रहे हैं कि हमारे फसल के हिसाब से करेंगे तो आपको एक सीडल के अलावा सीडल खरीदने की जरूरत है, खरीदने की जरूरत है। बिल्कुल, ये भाई है और सारा पैसा बचना है भाई, एक सीडल के अंदर सारा पैसा बच जाएगा। किसान के यहाँ पे अभी आप देखेंगे तो किसान के घर पे एक काम जो एक ही इक्विपमेंट कर सकता है उसको करने के लिए किसान 4 से 5 अलग अलग इक्विपमेंट लेकर रखता है, 3 तो जनरली लेके रखता है। सीड्रिल के साथ ये केस होता है, अभी आप देखेंगे तोता पंजा आ गया है जो कल्टीवेटर प्लस पंजे का काम करता है। अब किसान के पास 2 लोहे के इतने बड़े बड़े 5-5 क्विंटल के सामान रखे हैं जो पड़े पड़े जंग खा रहे हैं, साल में 2 दिन काम है उसको, इसलिए 2-in-1 इक्विपमेंट या मल्टीपर्पज इक्विपमेंट का क्रेज बढ़ रहा है और उसी के लिए ये सीड्रिल्स है। इसके अंदर अलग अलग अटैचमेंट हो रहे हैं, धरती काफी तरह के अटैचमेंट बनाता है जिन अटैचमेंट को लगा के आप इसके अंदर अलग अलग तरीके की फसलें और बो सकते हैं, अलग अलग सेटिंग पे बो सकते हैं, या आप एक ही चेचिस पे एक ही मशीन के ऊपर आप अलग अलग चीजें अपने आप बो सकते हैं। तो ये किसान भाई अपने सटीक जानकारी दी, बाकी अगर चैनल पर नए किसान भाई सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करेगा, खरीदने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पे, चर्चा कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, अच्छा कहीं और भी मंगवाना चाहे हमारे किसान भाई आपके माध्यम से जी सर खरीद सकता है सर। जी सर बिल्कुल, ट्रांसपोर्ट खर्चा अलग रहेगा, बाकी कोई नहीं, ट्रांसपोर्ट खर्चा अलग रहेगा, हमारे यहाँ से व्हीकल चलते हैं, हम सप्लाई करते हैं जनरली यहाँ से MP के हर कोने में सीड्रिल्स जाती है, महाराष्ट्र तक सीड्रिल्स जाती है, यहाँ से आपको हर जगह मिल जाएगा, आपको भरोसा रहेगा, आपका डिस्पैच के पहले आपको आपके वीडियो एक बार वीडियो करके आपको गाड़ी दिखाएगी दिखा दी जाएगी कि ये मटेरियल आपका आ रहा है, तो हम पूरी तरीके से संतुष्ट करके फिर यहाँ से डिस्पैच। अच्छा, वो भी किसान भाई, बाकी जानकारी सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करेंगे।